नमस्कार दोस्तों, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबकी पसंदीदा कढ़ी। और जैसा कि कढ़ी हर कोई पसंद करता है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, तो अब इसको कैसे बनाना है वो हम मैं बताती हूँ आपको। और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए दही। दही मैंने ली है 400 ग्राम, और हाफ कटोरी उसका हाफ मैंने बेसन लिया है। और इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, करी पत्ता लिया है, और ये हरा धनिया, राई के दाने ये, और लाल मिर्च साबुत, और इसके साथ ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, पिसा हुआ धनिया और मेथी दाना, ये सब सामान इसमें जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम दही को और बेसन को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस बाउल में हम मिक्स करेंगे। ये दही ले लिया मैंने, अब इसमें ये बेसन हम डाल देंगे। ये बेसन डाल के अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, इस बेसन में बस जो मिक्सचर में मैं अभी कुछ नहीं डालूंगी, बस यही दही को और बेसन को अच्छे से मिक्स करूंगी, और बाकी सामान जब हम तड़का देंगे तो तब मैं डालूंगी। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो ये लम्स ना रहें, नहीं तो जो हम पकाएंगे तो अलग अलग गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो जाए। और ये जो मिक्सचर जैसे हमने डाला है, इसमें जैसे मैंने एक कटोरी ये दही लिया था, तो इसका 9 टाइम यानी 9 गुना इसमें पानी पड़ता है। पानी इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि कढ़ी है, कढ़ी का मतलब ही है कि उसको काढ़ काढ़ के बनाना, और जितना हम इसको स्लो फ्लेम में बनाते हैं उतनी ही ये टेस्टी बनती है। ये देखिए अब ये कितने अच्छे से ये हो गया है। इसको अभी मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से और ये सॉफ्ट हो जाए। पकौड़े भी हम इसके साथ बनाएंगे, तो पकौड़ों के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, आप पकौड़े चाहें तो खाली बेसन के भी बना सकते हैं, आलू के, प्याज के, वो ऑप्शनल है, जैसे आप बनाना चाहें। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और प्याज के पकौड़े, ठीक है। तो ये बेसन लिया है मैंने एक कटोरी, इसके साथ मैंने एक आलू, एक प्याज, 2 हरी मिर्च मैंने ये काटी है इसके साथ, साबुत धनिया इसके साथ जाएगा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा आमचूर डालूंगी खटास के लिए पकोड़े में। और तो ये सब सामान जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, कढ़ी के साथ साथ हम पकोड़े भी बनाएंगे। तो अब ये बेसन को मैं पहले, पकोड़ों के लिए भी हमें बेसन को तैयार करना पड़ेगा। तो ये बेसन मैंने ले लिया है, इसको पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें जो हमारे आलू और प्याज भी जाएंगे। आलू को मैं घिस के डालूंगी, आप चाहें तो उसके छोटे छोटे स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, वो जैसा आपको ठीक लगे। और प्याज को मैं बारीक काटूंगी इसके साथ। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करके रख दूंगी, फिर इसमें मैं अब इसके साथ साथ इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी, नमक कम डालेंगे क्योंकि कढ़ी में भी नमक हमारा रहेगा, तो उस हिसाब से हम नमक डालेंगे, कम डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा पीसा धनिया, और इसके साथ थोड़ा ये साबुत धनिया के दाने थोड़े से जाएंगे, हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च मैंने काटी थी। अब प्याज आलू को हम थोड़ी देर में डालेंगे, पहले इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे मिक्सर को। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, और इसको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे ताकि ये बेसन अच्छे से फूल जाए। और बेसन हमारा फ्रेंड्स, जितना ये मोटा बेसन होगा उतनी कढ़ी भी हमारी अच्छी बनती है और पकोड़े भी अच्छे बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसन हमारा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, और अब हम तैयारी करते हैं कढ़ी को बनाने की। तो आइए अब शुरू करते हैं हम कढ़ी बनाना। कढ़ी को सबसे पहले हमने तड़का देना है, इसके लिए मैं
एक कड़छी तेल लिया है। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, ज्यादा कम जो करना हो जिस हिसाब से आप यूज करते हैं उस हिसाब से। और इसमें मेथी दाना डालने जा रही हूँ 1.5 चम्मच। इसको मेथी दाना को अच्छे से मैं भूनूंगी। ज्यादा हमने इसको डार्क भी नहीं करना है, लाइट येलो रखना है, इसको जलाना नहीं है। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 चुटकी के करीब हींग डाल रही हूँ। ये हींग मैंने डाल दिया है। जैसे ही होना शुरू होगा मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए धीरे धीरे जाएगा। ये हमारा ये मेथी दाना, ये देखिए हो गया। और कुछ ये लहसुन अदरक के साथ ही होगा, तो ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालने जा रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए, और इसको हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, लहसुन अदरक को लाइट ब्राउन रखना है। हल्दी मैंने पहले इसलिए डाली थी क्योंकि अब तड़के में हम हल्दी डालेंगे तो इसमें और अच्छा रंग आता है, और कड़ी है तो इसमें हल्दी थोड़ी ज्यादा जाती है। ये हल्दी डाल दी मैंने, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, और नमक मैं भी बाद में डालूंगी। अभी हल्दी और ये मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, और 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप यूज करते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें मैं करी पत्ता डालने जा रही हूँ। पहले डालते तो ये फिर जल्दी से जल जाते हैं, तो अभी ये बाद में डाले हैं तो क्रिस्पी रहेंगे। ये हो गया हमारे। अब मैं इसमें ये जो ये कड़ी देखिए कितना, ये देखिए कितना अच्छे से बेसन सब इसमें घुल गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स ये हमने ये ध्यान रखना है, इसको हमने डालते ही हिलाना है। अगर हमने नहीं हिलाएंगे तो इसमें नीचे जमना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ हमने पानी तभी डाल देना है। जैसे मैंने कहा था कि 9 गुना इसमें पानी पड़ता है, तो उसी हिसाब से मैंने ये पानी डाला है। अब हम इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और हमने इसको ये ध्यान रखना है एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, नहीं तो क्या है दही वो फट जाती है, दाने दाने आ जाते हैं। तो हम इसको एक ही डायरेक्शन में जब तक उबाल नहीं आता तो हम इसको घुमाएंगे। ये देखिए हमारी कड़ी में कितने अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमें इसे लगातार घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अब बताया था कि अब इसमें मैं लाल मिर्च और राई का तड़का देने जा रही हूँ। इसमें मैं लाल मिर्च और राई का तड़का अब इसके मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आपने कड़ी को फ्रेंड्स हम स्लो फ्लेम में ही आधे घंटे तक हम अच्छे से इसको पकने देंगे, और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। और जब तक ये हमारी कड़ी बन रही है और हम साथ साथ पकोड़े भी बनाना शुरू कर देते हैं, तो आइए हम पकोड़े बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बेसन और हल्दी नमक मिर्च को ही गाढ़ा घोल के रखा था, अब आलू और प्याज मैंने अभी डाले हैं, क्योंकि जो आलू है मैंने घिस के डाले हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली अब आलू और ये प्याज डालते ही मैं इनके पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। तो ये तेल मेरा मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था। ये आलू को आप ऐसे घिस के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, और खुले खुले जैसे होता है सॉफ्ट, अंदर तक गले हुए होते हैं, सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं पकौड़े। तो आप इसको स्नैक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, कड़ी के बारे में आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपकी कड़ी बाय मिस्टेक पतली हो गई है तो आप घबराएं नहीं। क्या करें, अलग से पानी गर्म करें, पहले ठंडे पानी में बेसन को थोड़ा सा घोल लें, अच्छे से फेंटें, फिर उसको आप अलग से उसको बर्तन में गर्म करें। जैसे ही उसमें उबाल आना शुरू हो तो अपनी तैयार कड़ी में उसको डाल के तेज़ तेज़ हिलाएं जब तक कि वो उसमें मिक्स ना हो जाए। तो इस तरह जो आपकी कड़ी पतली थी वो जैसा आपको चाहिए वैसे हो जाएगी। और अगर कड़ी आपकी बहुत गाढ़ी हो गई है, आपको लग रहा है कि बेसन आपने ज़्यादा डाल दिया था, तो आप एक भगोने में जितना आपको लगता है पानी, 1 कप पानी उसमें डाल के गर्म पानी करके उसमें उसको फटाफट हिलाएं, मिक्स करें, तो वो आपकी गाढ़ी गाढ़ी जैसा आपको चाहिए वैसे हो जाएगी।
तो दोनों चीज़ों में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए दोनों बन मिलाते हैं और हमने इसको स्लो फ्लेम में ही बनाना है, तेज में नहीं बनाना पकौड़ों को। और फ्रेंड्स इस कढ़ी के बहुत ही फायदे हैं। एक तो ये जो कढ़ी है हमारी याददाश्त को बहुत तेज करती है और ये कढ़ी स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि उनकी जो डाइजेशन उसको बढ़ाती है, डाइजेशन सिस्टम को सही करती है और जो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है पेट में उसमें भी ये हेल्प करती है क्योंकि इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन्स होते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो ज़रूर खानी चाहिए कढ़ी, तो इस कढ़ी के बहुत ही फायदे हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े बनकर तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कितने हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं बनके। ये देखिए जैसा हमें इसका कलर चाहिए था वैसे ये बन गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कढ़ी को अभी बनने में 10 मिनट और हैं, थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाएगी तो और अच्छे से बन जाएगी ये। तो इसको 10 मिनट तक हम बनने देते हैं, तब तक जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है उसके हम पकौड़े निकाल लेते हैं। तो ये देखिए और कढ़ी हमें कम से कम 15 दिन में तो एक बार जरूर खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स कढ़ी कितनी अच्छी फर्स्ट क्लास गाढ़ी गाढ़ी हो गई है हमारी। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ पकौड़े। अब पकौड़े फ्रेंड्स आप उतने ही डालें जितनी आपको ज़रूरत है, नहीं कि अगर ज़्यादा आप पकौड़े डाल देंगे और फिर आप थोड़ी देर बाद खाएंगे तो सारे पकौड़े में कढ़ी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तो कढ़ी गायब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको जितनी पकौड़े उसमें चाहिए उतने ही डालें। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रही हूँ। आइए अब कढ़ी हम चेक करते हैं। ये देखिए अब हमारे कढ़ी और पकोड़े एक सार हो गए हैं अच्छे से, ये पकोड़ों में जो कढ़ी है हमारे मिक्स हो गई है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। अभी हमारी गर्मा गर्म कढ़ी बनकर तैयार है, इसको अब हम धनिया हरे पत्ते से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।